प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के कुछ शहरों को सील करने के प्रशासन को निर्देश दिए हैं और नागरिकों से अपील की गई कि प्रशासन का सहयोग करें, जिसके बाद प्रदेश में प्रशासन हरकत में नजर आया। कुछ ऐसा ही देखने को मिला विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी खजुराहो में, जहाँ 9 अप्रैल की रात 11 बजे प्रशासन द्वारा 47 घरों के बाहर से ताले लगा दिए गए। देखते ही देखते यह खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस मामले को लेकर हमने राजनगर SDM स्वप्निल वानखेड़े से बात की। उनके द्वारा बताया गया कुछ लोग जिले से बाहर इंदौर, झांसी, ग्वालियर, भोपाल जैसे कई अन्य जिलों में गए हुए थे, जो वापस लौटकर आए उनमें से कुछ लोग बाहर घूमते नजर आए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके स्थिति को गंभीर देखते हुए संक्रमण ना फैले, इसके लिए राजनगर प्रशासन ने यह निर्णय लिया, 47 घरों के बाहर से ताले लगाए, उन्हें होम क्वारंटाइन में रखा गया था। तो वहीं उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। उन परिवारों को हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराया गया था, उनके लिए अलग से सुविधा भी उपलब्ध किया गया, ऐसा SDM का कहना है। हमारे यहाँ राजनगर खजुराहो और राजनगर तहसील में कुल 47 लोग ऐसे हैं जो राजनगर खजुराहो परिसर छोड़ के अन्य जिलों में गए थे, जैसे ग्वालियर, झांसी, भोपाल, दिल्ली, इंदौर, अलाहाबाद, कानपुर, इन जगहों पे गए थे और वहाँ से लौट के आए। उन्हें होम क्वारंटाइन के निर्देश दिए गए थे और उन्हीं को उन्हीं के घर पे ताले लगाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्हें कुछ अलग सुविधा चाहिए या घर से बाहर निकलना ही है तो परमिशन से उनको बाहर निकला जा सकता है। 10 अप्रैल की शाम पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक ट्वीट सामने आया। कमलनाथ ने राजनगर प्रशासन द्वारा किए इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा संज्ञान में लेकर अपनी आपत्ति व्यक्त करते हुए किया गया यह ट्वीट के आधार पर 10 अप्रैल की शाम को यह तालाबंदी खोल दी गई। वहीं राजनगर SDM ने बताया कि यह तालाबंदी जिन घरों में की गई थी वह सभी ऐसे लोग थे जो कुछ ड्राइवर थे जिन्होंने बाहर से आकर खजुराहो में प्रवेश किया था और प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करते नजर आए थे। उन जैसों को चिन्हित करते हुए तालाबंदी की गई थी, बताया गया। अब वह तमाम परिवार मानने के लिए तैयार है, सभी ने प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन न करके घरों में ही रहने की बात कही। वही SDM का कहना है उनसे लिखवा कर भी लिया जाएगा, अगर नियम का उल्लंघन करते हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कलेक्टर सर के साथ चर्चा वार्ता के साथ सर के निर्देशानुसार ये होगा कि उनको उनसे लिखवाया जाएगा कि अब घर से बाहर नहीं निकलेंगे, अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कार्रवाई के साथ उनको लॉकडाउन करना पड़ेगा।